नमस्कार दोस्तों, हम के सिंह बघेल आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के देसी किसान में। आज हम आपको बताएंगे कि आम की भेंट कलम कैसे बांधी जाती है। यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल के देसी किसान, योर ट्रेनिंग टू मैंगो कॉन्टेक्ट ग्राफ्टिंग। ये देखिए, इसको ऐसे बांध देना है पेड़ पे। इसको लटका कलम भी बोलते हैं, इसको लटका कलम। इसको मजबूत से बांधना है ताकि हम इसकी भेंट करा सकें। मजबूती के साथ पूरा चले। इसको यहाँ पे पहले ऐसे बांध देते हैं। इसको 30% कट करना है, यानी एक चौथाई भाग इसको छीलना है ऐसे आराम से। ये टेक्निक जो है बहुत पुरानी है, इसका 100% रिजल्ट आता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। दिस इज ए ओल्ड टेक्निक, 100% रिजल्ट। इसको बराबर कट लगाना है, बराबर कम से कम 30%। ये हमारा कट लग गया। अब इसको दोनों को कांटेक्ट करके बांधना है, कस के बांधना है।
रस्सी की सहायता से। तो कस के जरूर बांधना है ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाएं। इसको ऐसे इसमें कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, इसको इतना टाइट बांधना है। देखा रहा ये देखिए हमारी पूरी तरह से कलम बंध के तैयार हो चुकी है। इसको फिर करीब 60 दिन बाद 16 डेज टू कट, इसको यहाँ से हम काट देंगे। ये यहाँ से इसको काट देंगे यहाँ से। तो ये पेड़ जो हमारा है इसका मदर प्लांट का इस डाल पे ज्वाइंट हो जाएगा। फिर इसको आप
ये जो है इसको ऊपर से कट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा जो जड़ होगी, रूट होगी, ये जंगली पौधे से प्राप्त करेगा, और इसका जो ऊपर का तना होगा वो आम्रपाली का होगा, यानी हमारी ये आम्रपाली का पौधा इस पे तैयार हो जाएगा। कम से कम इसके लिए अपने को 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छी तरह से जॉइंट जो एक हो जाए, ये दोनों डाल जो है, दोनों ब्रांच एक हो जानी चाहिए। फिर इसको आप काट के ले जाइए, कहीं भी जहाँ भी आपको स्थापित करना हो तो वहाँ पे लगाइए। लगाने के बाद इसकी डाल ऊपर से कट करना है, और इसको गांठ को भी लगाने के बाद छोड़ना है, बाकी आप बंध ही रहेंगे। कट करते समय इसको आप बिल्कुल बांध के रखिए, ताकि इसका जॉइंट हिलने नहीं चाहिए। ये जॉइंट है एकदम से पक्का हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। इसको समझ में नहीं आएगा कि दोनों अलग अलग पार्ट है, ये जो है दोनों पूरा इकट्ठा हो जाएगा। इसको यहाँ से कट करना है यहाँ से, और इसको जो आम्रपाली का ब्रांच है इसको यहाँ से कट करना है यहाँ से। फिर आप इसको आराम से लगाइए। हमारा चैनल के देसी किसान, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। ये एकदम देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। इस पे कोई नहीं, इसमें यह भी नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा, 100% सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि हमने इसका पहले एक तैयार किया था, हमने उसको अपने बाग में लगा दिया हूँ, वो अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, नई पत्ती उसको फोड़ दिया है, यानी नई पत्ती उस पर निकलने लगी हैं। ये 100% सक्सेस टेक्निक है। प्लीज़ आप इसको सब कोई आजमाइए, इस पर कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री में एक आप जंगली पौधा कहीं से ले आइए और उसी पर आप इसको ग्राफ्ट करिए। जय हिंद, जय किसान।